However, some website design and development using PHP and MySQL की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारे इस कोर्स के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा फ्रंट एंड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का और दूसरा हिस्सा डायनेमिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है। फ्रंट एंड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हम वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे यूजिंग फ्रंट एंड टूल्स लाइक उसमें हम कुछ लैंग्वेज सीखेंगे जैसे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS जो कि वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट जो कि वेबसाइट की को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क jQuery पे बात करेंगे, और इसी तरह CSS के फ्रेमवर्क कैस्केडिंग स्टाइल शीट का एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप 3 या बूटस्ट्रैप 4 पे बात करेंगे, और उसके बाद हम अपने बाकी कोर्स की तरफ जाएंगे लाइक जो डायनेमिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी PHP लैंग्वेज है उसको सीखेंगे, और डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, डेटाबेस के कुछ लेआउट्स UIs के ऊपर देखेंगे, और उसके बाद हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। और स्पेशली कोर्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि हम अपने कोर्स ये जो डायनेमिक पार्ट है PHP लैंग्वेज इसका हम एक फ्रेमवर्क सीखेंगे लाइक कोड इग्नाइटर या लारावेल। तो ये कोर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है और आपके लिए ये एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप एक फुल फ्लेज डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो व्यूवर्स आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर हम HTML सीखेंगे। HTML को वेबसाइट बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर CSS कैसे अप्लाई करते हैं, CSS कैसे लिखते हैं, CSS की क्लासेस क्या होती हैं, और उसके बाद वेबसाइट एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है जो कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, और देन हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करते हैं और अपनी वेबसाइट को कैसे डायनेमिक बनाते हैं। देन हम ट्विटर बूटस्ट्रैप जो कि एक CSS का और jQuery का और जावास्क्रिप्ट का एक कम्बाइंड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप अपनी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमारे ये है हमारे कोर्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap ये चीज़ें सीखेंगे। तो लेक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस HTML का आज का जो लेक्चर है ये लेने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। HTML के अंदर हम टैग्स के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, फॉर्मेटिंग्स, लिंक कैसे लगाते हैं, हेड का टैग क्या होता है, इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे टेबल्स कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, अपने पेज का लेआउट बनाना सीखेंगे, फॉर्म्स के थ्रू डाटा एंट्री करने का प्रोसेस मुकम्मल तौर पे देखेंगे, फॉर्म्स क्या होती हैं HTML वेबसाइट के ऊपर, और URL एनकोडिंग क्या चीज़ होती है, हम अपने इनपुट किस तरह से लेते हैं, अपना मीडिया, अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑडियोज़ वीडियोज़ HTML के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये ओवरऑल हमारा आज का एजेंडा है। सबसे पहले हम HTML की बात कर लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट को डेवलप करने के लिए बनाया गया था और इसके मल्टीपल वर्जन आए। अभी जो हम काम करेंगे वो HTML 5 के ऊपर काम करेंगे। HTML 5 कंपोज होती है टैग्स के ऊपर। टैग्स की बेस पे हम एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स की बेस पे हमारी वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट बेसिकली कंपोज्ड होती है मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर, और हम अपने जो एलिमेंट्स जो हैं उनको कंबाइन करें और अपनी वेब HTML का कोड लिखें तो वेब पेजेस वजूद में आते हैं, और ये तमाम वेब पेजेस अगर आप इसमें लिंक कर दिए जाएँ तो वेबसाइट वजूद में आती है। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ये कंपाइल नहीं होती और ये ब्राउज़र पर यानी क्लाइंट साइड पर रन करती है। HTML की जो एक्सटेंशन होती है वो .html या .htm होती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारी HTML को राइट करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो व्यूअर्स इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है बल्कि आप एक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। एडिटर आप अपनी पसंद का कोई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में जो एडिटर यूज़ करेंगे उसका नाम है Notepad++। Notepad++ Notepad का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र पे गूगल पे जाके लिखिए Notepad++, तो इसका आपको सेटअप अवेलेबल हो जाता है, ये आप इंस्टॉल कर लें। अभी हम थोड़ी देर बाद उसका इंटरफेस भी देखेंगे कि हम Notepad++ को कैसे यूज़ करते हैं और इसको रन करने का क्या तरीका कार है।
ब्राउज़र क्या चीज़ होती है? ब्राउज़र जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं, ब्राउज़र एक एक विंडो होती है, विंडो टाइप एक एक्सप्लोरर होता है जहाँ पर आप अपना यूआरएल एड्रेस देते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट, मनचाही वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वेब पेज की जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTML है, तो हम इस पूरे प्रोसेस में अपना एक HTML पेज बनाना सीखेंगे और उसको हम किस तरह से सेव करते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर, उसको रन करना सीखेंगे। उसके लिए मैं अभी एक एडिटर आपके सामने ओपन करूंगा जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। तो व्यूवर्स, दिस इज़ द नोटपैड प्लस प्लस, वेयर आप देख सकते हैं कि इसके कुछ ऊपर पैनल्स में, रिबन में कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, एनकोडिंग, लैंग्वेज सेटिंग। तो ये नोटपैड प्लस प्लस के कुछ फीचर्स हैं। हम अपनी बात कर लेते हैं फाइल से। अगर आपने नया पेज बनाना है तो आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम अपना पहला वेब पेज कैसे बनाते हैं। आपको पहला वेब पेज बनाने के लिए करना यह है कि आपको कुछ टैग्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन आई डजेंट मीन कि आपको ये कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टैग्स हैं, बहुत आसानी से इनकी समझ आ जाती है। चूँकि हमारा पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर मुश्तमिल है, तो हमारा जो बेसिक टैग है, जो पेरेंट टैग है, उसका नाम है HTML। व्यूअर्स, HTML के अंदर दो बेसिक टैग्स होते हैं, अगर आप इनको याद रखें तो। नंबर वन हेड, और हेड को हम क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा जो टैग है वो बॉडी का है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो बॉडी का टैग है ये आपके कंटेंट को वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर आपने जो भी एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, और वेबसाइट पे जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम इसको कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट भी कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट भी कह सकते हैं। ये एलिमेंट्स ब्लॉग पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, आपके कुछ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, कुछ सादा टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी हेडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए इसके बहुत सारे टैग्स हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वर्ड में काम करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी एडिटर पे काम करना आता है, तो आपके लिए ये बॉडी के अंदर काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम आ जाते हैं हेड की तरफ। हेड में बेसिकली अगर मैं हेड को एक्सप्लोर करूँ तो हेड बॉडी से सेपरेट एक टैग है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की अदर इन्फॉर्मेशन बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल सेट करना चाह रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट का स्टाइल सेट करना चाह रहे हैं, या आप अपनी वेबसाइट को कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये हेड का टैग मौजूद है। इसके अलावा हेड का टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, SEO के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आप जो कंटेंट लिखते हैं उसकी मेटा डाटा भी यहाँ पर प्लेस करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि मेटा डाटा क्या चीज़ है। मेटा डाटा बेसिकली अ डाटा अबाउट डाटा, यूँ कह लें कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई डाटा है तो उस डाटा की फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की जाती है, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल आ गया, या बिंग है, या या दूसरे याहू वगैरह है, वो आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकें कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे बनी हुई है, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसका किस कैटेगरी की वेबसाइट है, तो उनको इंडेक्सिंग करने के लिए आसानी होती है। तो उसके लिए जो हमारे पास हेड का टैग है उसका नाम है मेटा का टैग। तो चलिए आए देखते हैं कि हेड के अंदर फर्दर कितने टैग्स हैं। नंबर वन हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी वेबसाइट को टाइटल देना चाह रहे हैं, तो टाइटल के लिए आपने टाइटल का ही टैग यूज़ करना है। तो इसलिए व्यूअर्स, इसको याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। फॉर ब्यूटिफिकेशन मैं कुछ इसके आगे और पीछे डॉट्स डाल रहा हूँ, कॉलन्स डाल रहा हूँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट फेज है हाउ टू सेव आवर फर्स्ट वेब पेज। वेबसाइट को सेव करने के लिए बहुत ही आसान है। आप कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस आप प्रेस करेंगे। दिस इज़ द कमांड फ्रॉम विच यू कैन सेव योर फर्स्ट वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज। सो इफ वी प्रेस कंट्रोल एस, अगर हम कंट्रोल एस प्रेस करें तो हम अपने पेज को स्टोर कर सकते हैं। मैंने अपनी डेस्कटॉप के ऊपर एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन वेब डिज़ाइन कोर्स, और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल सेव करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल होम, और इसकी मैं एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन इसकी .html या .html के साथ, HTML के साथ आप सेव कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारा वेब पेज हमारी डिस्क के ऊपर स्टोर हो चुका है, जिसमें अभी फॉर नाउ कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमने नहीं लिखी, जस्ट
हमने कुछ नेसेसरी टैग्स लिखे हैं लाइक हेड और बॉडी का, और हेड के अंदर हमने अभी टाइटल का टैग लिखा। तो नेक्स्ट हम यूज़र्स आए देखते हैं कि इसको हम व्यूअर्स कैसे चलाते हैं। इसको चलाने के लिए दो तरीके कार हैं। नंबर वन, या तो आप यहाँ रन के कमांड से जाएं और इसको लॉन्च इन एनी ब्राउज़र कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फायरफॉक्स है या आप क्रोम को पसंद करते हैं तो लॉन्च इन क्रोम कर देंगे। क्रोम को लॉन्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउज़र ओपन हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो आपने टाइटल यहाँ पर लिखा था। टाइटल बेसिकली आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे पास इस वक्त कुछ दूसरे टैब्स भी ओपन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के टाइटल्स हैं, जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये वेबसाइट लाइट से जावास्क्रिप्ट की है, ये वेबसाइट गूगल की है, ये वेबसाइट W3 स्कूल्स की है। सिमिलरली जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा पेज है, वो है वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। ये वही टाइटल है जो कि अभी हमने हेड के अंदर टाइटल के टैग के अंदर लिखा। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान है अपना पहला पेज बनाना। अब हम बात करते हैं कि आइदर हेड के अंदर और कौन कौन से टैग्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हेड के अंदर पांच टैग्स होते हैं, उन पांचों टैग्स के एक दफ़ा नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर में आगे आने वाले कोर्सेज में हम ये देखेंगे कि इन टैग्स का क्या पर्पज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल का पर्पज़ आपको समझ आ गया। देन हम यूज़ करते हैं हेड के टैग के अंदर मेटा के बाद हमारा जो अगला टैग है वो है लिंक। देन स्टाइल, देन स्क्रिप्ट, व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने पांच टैग्स लिखे हैं, जिनमें पहला टैग टाइटल का था, मेटा का टैग, लिंक का टैग, स्टाइल का टैग और स्क्रिप्ट का टैग। यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ, जैसे कि आपने भी नोट किया होगा कि मेटा का टैग एक ऐसा टैग है जिसको मैंने सेल्फ क्लोज किया। तो इसकी क्या वजह है ये भी अभी जानते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंटेंट मौजूद होता है, जैसे कि अभी टाइटल का टैग है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, ये टाइटल के टैग का कंटेंट कहलाता है। इसी तरह हर टैग का कोई ना कोई कंटेंट होगा, जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, इनके कोई ना कोई कंटेंट्स होंगे। मेटा के टैग का कोई भी कंटेंट नहीं होता सिवाय एट्रीब्यूट्स के। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि मेटा का टैग जो है वो किस पर्पज़ के लिए काम आता है और इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। लिंक का टैग किस पर्पज़ के लिए काम आता है, इनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाइल का टैग है, स्क्रिप्ट का टैग है। वन बाई वन हम इनको डिटेल में देखेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारा टारगेट है बॉडी के टैग को स्टडी करना। बॉडी का टैग बेसिकली आपके कंटेंट को वेब पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर करना चाहेंगे। हेडिंग वन, हेडिंग वन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट योर हेडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बहुत बड़ी हेडिंग लिखना चाह रहे हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप उसको H1 के टैग में लिखेंगे। व्यूअर्स इसको कंट्रोल एस करके सेव करें और उसके बाद आप देख सकते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद कि हेडिंग वन अपीयर हो गई है। बॉडी के टैग के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हेडिंग वो हमारी बॉडी हमारी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर अपीयर होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट टू सम पैराग्राफ तो हमें पैराग्राफ का टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे व्यूअर्स जिनको वर्ड प्रोसेसिंग पे काम करना आता है, MS वर्ड पे काम करना आता है, वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि पैराग्राफ्स और हेडिंग्स क्या होती हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेडिंग की बात करें तो हेडिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अभी हमने एक ही लेवल यूज़ किया। फॉर नाउ हम एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना चाहते हैं और इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लंबी लाइन लिखना चाहते हैं तो मैं इसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करता हूं ताकि हमारा एक पैराग्राफ अपीयर हो वेबसाइट पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग वन के बाद हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, HTML की कुछ फर्दर टैग सीखेंगे और अपनी वेबसाइट के अंदर स्टाइल लगा कर देखेंगे। कीप वॉचिंग।
फोकस ऑफ वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।